नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। और गोविंदपुरा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रविंद्र साहू झूमर वाले, लगातार वो चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव की वोटिंग का भी आखिरी दिन है। चुनाव की वोटिंग तो हो गई, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क में लगे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपने मुझे वोट दिया, बहुत बड़ा आभार किया। अब बात करेंगे चुनाव। गोविंदपुरा एक चर्चित विधानसभा सीट है, कांग्रेस ने आपको उतारा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। सब नर्मदा मैया की कृपा है जीवन में कि नाश्ता भी करते हैं। जीवन में कोई भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जावान होना जरूरी है, तो भगवान की कृपा है और हमारे सभी साथी भी उतने ऊर्जावान हैं जितना मैं हूँ। किसी भी युद्ध में सेनापति मजबूत होगा तो सेना भी मजबूत होगी। इसी को लेकर हमने चुनाव लड़ा है और आगे बढ़ रहा है। कैसा आशीर्वाद मिला आपको? आशीर्वाद क्या मिला जनता का? आज चुनाव का मतदान केंद्र मतदान था, मतदान हो भी गया, आप भी पूरे क्षेत्र में घूमे, कितना आशीर्वाद मिला जनता से, क्या आशा आपको? चुनाव हम जीत रहे हैं, जनता ने बम्पर वोटिंग की है। मेरा आंकड़ा 70% प्लस पहली बार इतिहास में गोविंदपुरा में वोटिंग होने जा रही है। जनता ने विकास के खिलाफ वोट दिया है, जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है, जनता ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वोट दिया है। और ये आने वाली 3 दिसंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि जनता ने चमत्कार कर दिया गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ है, तो कई ऐसी समस्याएं हैं, पार्क की समस्या है, बिजली की समस्या है, नाली की समस्या है, जिनमें कोई विकास नहीं हो रहा। क्या लगता है कि जनता का जो रुख है मुड़ सकता है 2023 में? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से और गोविंदपुरा में पिछले 50 साल से भाजपा का राज रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री आदरणीय घोषणा वीर हैं, उनका नाम फेमस हो गया है घोषणा वीर। मंच पे लेट जाते हैं और नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं। जनता सब समझ चुकी है, इस बार जनता ने उनके नाटक नौटंकी को समझ लिया है, उनका विकास का डोल भी फट चुका है। जनता ने पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन का मन माना है। 150 से प्लस, आज के बाद बताता हूँ, 150 से प्लस सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि कृष्णा गौर को हराना बड़ी कठिनाई का काम है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, रावण का अहंकार नहीं रहा, तो ये तो दुनिया है, कलयुग चल रहा है, सतयुग में रावण का अहंकार नहीं रहा तो ये अहंकार भी खत्म होने वाला है। रविंद्र साहू एक साधारण से व्यक्ति दिखने वाले हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, वो सादा सैंपल रहने वाले, क्योंकि अब नेता आदि बनता बड़ा हाई फाई चलता है। आपके अंदर ये सादगी कहाँ से आई? माता पिता के संस्कार, परिवार के संस्कार। हमारे दादाजी थे, उन्होंने कभी भी जो हमने उनसे सीखा कि ज़मीन पर रह के जनता की सेवा करना और ज़मीन पर रहना पड़ेगा। हमारे नेता परम आदरणीय राजा साहब, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमेशा इतना बड़ा कद रहा, उसके बाद नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करी, तो मैंने हमेशा अच्छाई लोगों से लिए, बुराई नहीं ग्रहण की है। तो इसलिए मेरे को मैया कृपा है और मैं, ये मेरा नेचर है, मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच रहना, ज़मीन पर बैठ के खाना खाना मेरा नेचर है। ज़मीन पे बैठने वाला, खाने खाना वाला व्यक्ति भाजपा की बड़ी लीडर कृष्णा गौर को टक्कर दे पाएंगे? ये जनता तय करने वाली 3 तारीख को, हमारी देवतुल जनता ने तय कर दिया है, 3 को रिजल्ट आ रहा है, सब पता चलने वाला। सरकार किसकी होगी मध्यप्रदेश में? भोपाल में भी 7 सीटें हैं, 7 में से क्या लग रहा है? आप भी जब घूमते रहते हर जगह, टोटल 150 सीटें जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसमें भोपाल की भी 4 सीटें हो सकती हैं। क्या आखिरी संदेश क्या जनता के लिए? मतदान तो हो ही गया, बहुत सारी आपने मेहनत भी की, हर गली हर चौराहे नुक्कड़ पर आप गए। जनता ने हमें चुनाव में इस जन समर्थन दिया, इस पूरे चुनाव में जनता का बहुत प्यार मिला, मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो रविंद्र साहू को नेता हैं, लगातार जमीन से जुड़े रहते हैं, और उनने कहा है कि माता पिता का आशीर्वाद है, साधन सैंपल रहता हूँ, मनन नायबदा जी की परिक्रमा भी की है, लेकिन गोविंदपुरा चर्चित विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उनको टिकट दी। अब रविंद्र साहू क्या भाग कांग्रेस से चुनाव जीतेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? जुड़े माता नहीं है, उसका एक रिपोर्ट है भोपाल मध्य।